हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास 11th के अंतर्गत आपका कोर्स चेंज हो चुका है, मार्केट में आपका नया कोर्स आ चुका है। ठीक है, तो अब हम जो लेसन नंबर फर्स्ट से दोबारा से अध्ययन करेंगे नए कोर्स के साथ, तो हमारा जो पहला जो लेसन है वो क्या है, जीव जगत। क्लास 11th के अंतर्गत बायोलॉजी के अंतर्गत जो अपना जो पहला जो लेसन है भी क्या है, जीव जगत। तो बायोलॉजी में आपको पता है कि बायोलॉजी के बारे में हमने पहले भी बताया कि बायोलॉजी क्या होती है, कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाती है या जीव विज्ञान कहलाती है। तो उसमें हमारा जो पहला लेसन रहेगा वो क्या है, जीव जगत। कि हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि जीव क्या होते हैं। सबसे पहले जो अपना टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत भाई जीव क्या है। जब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि जीव क्या होते हैं। तो जीव क्या होते हैं कि इनमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं जो क्या उनको दर्शाते हैं कि हाँ ये जीव होते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जीवों में। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वे जीव का प्रमुख लक्षण, वृद्धि होना है। ठीक है, कि भाई जो जितने भी जो जीव होते हैं इनमें क्या पाई जाती है, वृद्धि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, वृद्धि। अब जब वृद्धि पाई जाती है तो इन किस में, भार में वृद्धि होती है, वेट में वृद्धि होती है मतलब। ठीक है, और क्या होती है, संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, जीवों के लक्षण होते हैं। अब ये जो वृद्धि होती है ये होती है किसके कारण होती है, भी जीवों में जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है। तो आपने पढ़ा है कि भाई कोई भी जो जीव होता है किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो जितने भी जो जीव होते हैं किनसे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, विभाजन पाया जाता है। ठीक है, जब कोई भी जब कोशिका विभाजन करती है तो फिर उनके भार में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया, तो अपना जो जीवों का प्रमुख लक्षण क्या हो गया भाई, वृद्धि होना। यहां तक क्लियर है। उसके बाद बात करें तो जीव कैसे होते हैं, कई जीव तो कैसे होते हैं, एक कोशिक होते हैं। कई जीव कैसे होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। कि मतलब कि उनका जो पूरा जो संपूर्ण जो शरीर होता है कितनी कोशिका का, एक कोशिका से, मतलब एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वो कौन से हो गए, बहुकोशिकी जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, जिनको जिनका अध्ययन केवल किसके द्वारा किया जा सकता है, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जा सकता है। यहां तक क्लियर है। तो उसके बाद और हम बात करें तो जीव का लक्षण जनन होता है। जीव में लक्षण और क्या होता है, जनन होता है। अब हम बात करते हैं जनन क्या होता है। ठीक है, कि भाई कोई भी जो जीव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपने समान क्या करते हैं, संतति उत्पन्न करने की जो क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाता है, लक्षण जनन कहलाता है। ठीक है, तो जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ठीक है भाई, तो हम बात करते हैं जीवों का दूसरा लक्षण क्या होता है, जनन होता है। और जनन क्या होता है कि भाई कोई भी जो जीव होते हैं अपने समान क्या करते हैं, नई संतान या संतति उत्पन्न करते हैं, उनका वो लक्षण क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद ये जो सभी जीवों में क्या होता है, एक प्रमुख लक्षण होता है, इस जो संतति उत्पन्न के कारण क्या करते हैं, ये अपनी संख्या में क्या कर पाते हैं, बढ़ोतरी कर पाते हैं।
वो जो जीव होते हैं इनमें जो जनन होता है अलग अलग विधियों द्वारा पाया जाता है, कि जैसे कि हम बात करें जीवों में अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वे कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है भाई, जो हम यहाँ पर नेक्स्ट हम जब जनन वाला लेसन पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि विधियां जनन की, तो जीव जीव होते हैं उनमें कौन कौन सा जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है और कायिक जनन पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अलैंगिक जनन होता है ये किनके द्वारा होता है, मुख्यतः बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। उसके बाद हम लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन लैंगिक अंगों के द्वारा होता है जिसमें आवश्यकता होती है नर वे मादा युग्मक की, क्या हो सकती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, और कायिक जनन यह अधिकांश पादपों में पाया जाता है। कायिक मतलब कि जो पादप के जो भाग होते हैं कायिक भाग, उनके द्वारा ही नए पादप का निर्माण हो जाता है, वो उनका क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं किसके द्वारा, कायिक भाग, कायिक मतलब वेजिटेटिव, मतलब हम कह सकते हैं एक बार शरीर एक प्रकार से जो प्लांट बॉडी होती है उसके द्वारा ही नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि भाई जो अलैंगिक जनन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जैसे हम बात करें कवक होती हैं, ठीक है, एक प्रकार से क्या होते हैं, पादप होते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो जैसे शैवाल वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है जो किनके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। जो लैंगिक जनन होता है जो उच्चतर पादपों में, मतलब हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म पादपों में पाया जाता है। इसके अलावा जो कायिक जनन होता है कायिक भागों के द्वारा, ये जो पाया जाता है जीवाणुओं में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और हम बात करें पादपों में, पादपों की बात करें तो पादपों में जो सभी पादप आ गए जैसे भी कवक शैवाल वगैरह, ब्रायोफाइट टेरोफाइट जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उन सभी में पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद और हम लक्षणों की बात करें, जीवों का लक्षण क्या होते हैं, तो जीवों में क्या उपापचयन का लक्षण पाया जाता है, उपापचय का लक्षण पाया जाता है। ठीक है भाई, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म या उपापचय। अभी इसमें क्या होता है कि जो जितने भी जो जीव होते हैं किन से बने होते हैं भाई, रसायनों से मिलकर बने होते हैं, मतलब केमिकल्स से या रसायनों से मिलकर बने होते हैं। तो इसमें हम बात करें कि भाई जो रसायन होते हैं कैसे होते हैं, जो छोटे होते हैं उसके बाद वो मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, जैव अणु बनाते हैं। जैव अणु की हम बात करें, जैव अणु क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैव अणु, प्रोटीन होती है और क्या होती है, लिपिड या होती है या वसा होती है, लिपिड या वसा होती है। कि मतलब इनमें उपापचय का लक्षण में क्या होता है भाई, केमिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, जैव अणु। जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहती है। इसी प्रकार जो लिपिड होते हैं ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो गए, केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जैव अणु बनाते हैं। ठीक है, तो जैव अणु कौन कौन से हुए, अपने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड होते हैं, इनका ये निर्माण करते हैं। कोई भी जीव हो चाहे एक कोशिक हो या जो बहुकोशिक हो, जितने भी जो जीव होते हैं एक कोशिक हो या कौन से बहुकोशिक जीव हो, मतलब चाहे कितना ही छोटा जीव हो चाहे कितना ही बड़ा जीव हो, सभी में क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं। इसके अलावा कि जो सभी जो जीव होते हैं, सभी जीव से मतलब सभी जीव, जैसे भाई सूक्ष्म जीव हो गए, सबसे छोटे क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, इसके अलावा जो जंतु वगैरह होते हैं, इन सभी में क्या होती है, उपापचयी क्रियाएं पाई जाती हैं। ठीक है,
अब उसके बाद कई बच्चे जो सोच रहे हैं उपापचयी क्रियाएं होती क्या हैं, जो उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं, हमारे शरीर में पाई जाती हैं मतलब कि जैसे हो गया श्वसन वगैरह होती है, श्वसन की प्रक्रिया, ठीक है, पाचन की प्रक्रिया, ये सब क्या होती है उपापचयी क्रियाएं होती हैं। कि मतलब उपापचय में हम कह सकते हैं कि भाई जिसमें क्या होता है पदार्थों का निर्माण एवं विघटन होता रहता है वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ तक क्लियर है कि वे क्रियाएं जिनमें पदार्थों का निर्माण होता रहता है और विघटन होता रहता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उपापचय कहलाती है। तो हम जैसे रेस्पायरेशन की बात करें, श्वसन की बात करें, तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, बदले में फिर हमारा क्या होता है शरीर में ग्लूकोज वगैरह रहती है, उनका विघटन होता है, उसके बाद जैसी क्रियाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं CO2 रिलीज करते हैं। तो जैसे श्वसन हो गया ये क्या हो गया भाई उपापचयी क्रिया हो गई। इसी प्रकार जो डाइजेशन होता है मतलब जो पाचन होता है इसमें भी क्या होते हैं जो जटिल जो अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं जिससे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है, तो वो भी क्या होती है एक उपापचयी क्रिया होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उपापचय समझ में आया। इसके अलावा और हम बात करें तो जो सभी जो जीव होते हैं, ठीक है, वो क्या दर्शाते हैं क्रियाएं दर्शाती हैं कैसे, उद्दीपनों के प्रति, पर्यावरण में उद्दीपनों के प्रति क्या दर्शाते हैं प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। तो हम नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो क्या है भाई, जीवों का मुख्य लक्षण पर्यावरण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दर्शाना है, ठीक है, कि प्रकृति में जो जितने भी जो जीव पाए जाते हैं जो पर्यावरण के उद्दीपन के प्रति क्या दर्शाते हैं अनुक्रिया दर्शाते हैं। हम पर्यावरण के उद्दीपन की बात करें तो ये उद्दीपन होते हैं, उद्दीपन भौतिक व रासायनिक वे जैविक हो सकते हैं, ठीक है, कि प्रकृति में जो भी उद्दीपन कैसे हो सकते हैं भाई, भौतिक हो सकते हैं, रासायनिक हो सकते हैं, जैविक हो सकते हैं। अब हम यह बात करेंगे भाई कैसे, कि भाई जो जैसे हम बात करें पौधे या अन्य जो जीव जंतु, ठीक है, जल के प्रति, ठीक है, ताप के प्रति, रासायनिक पदार्थों या हम कह सकते हैं रसायनों के प्रति, ठीक है, इसके अलावा अन्य जीवों के प्रति क्या दर्शाते हैं अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो ये जीवों का क्या हो गया एक मुख्य लक्षण हो गया, ठीक है। भौतिक लक्षण की बात करें तो भाई जैसे ताप के प्रति, प्रकाश के प्रति, ठीक है, जल के प्रति क्या दर्शाते हैं अनुक्रिया दर्शाते हैं। इसके अलावा और हम बात करें तो रसायनों के प्रति भी क्या दर्शाते हैं अनुक्रिया दर्शाते हैं, और जो जीव होते हैं अन्य जीवों के प्रति भी क्या दर्शाते हैं अनुक्रिया दर्शाते हैं। तो ये क्या होते हैं पर्यावरण उद्दीपन के प्रति प्रमुख लक्षण दर्शाना है। तो ये होते हैं जीवों के कुछ लक्षण।